please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी रणदीप सुरजेवाला के साथ आए और मीडिया को संबोधित किया। कर्नाटक के शक्ति परीक्षण में बीजेपी सरकार के गिरने से खुश दिख रहे थे राहुल गांधी ने दावा किया कि विपक्ष की एकजुटता के आगे बीजेपी घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाएगी। और इस मौके पर मीडिया के सामने आए राहुल गांधी ने कर्नाटक की जीत को गठबंधन की जीत करार दिया। उन्होंने विपक्ष की एकता के इस मॉडल को पूरे देश में आजमाने का दावा किया। हम सब मिलकर ऑपोजिशन मिलकर कोऑर्डिनेट कर बीजेपी को हराएगा। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने विपक्ष की एकता को जरूरी बताया, जिसका समर्थन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी किया। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि विपक्ष एकजुट हो गया तो 2019 में बीजेपी मुक्त भारत बन जाएगा। तेजस्वी ने ये दावा तब किया जब वो दिल्ली में समर्थकों के साथ अपने घर से बाहर कहीं जाने के लिए निकले। अगर ऑपोजिशन पूरे इंडिया में अगर हम लोग एकजुट होकर के इसी तरीके से लड़ेंगे तो 2019 में जो सपना नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं दोबारा प्रधानमंत्री बनने का, उनका सपना टूट जाएगा। हालांकि बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्षी एकता को दूर की कौड़ी करार दिया। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी वक्त के इम्तिहान और भी हैं, तो इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा खुशफहमी पालने की जरूरत नहीं है। लेकिन कर्नाटक की जीत के बाद विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश शुरू हो गई।